अलवर के भैरोड में एक युवक का कोरोना पॉजिटिव मिलने का मामला सामने आया। इस केस के बाद आसपास के गांव के लोगों में चिंता बढ़ गई है। पॉजिटिव मिले युवक की मां एएनएम के पद पर कार्यरत है और पिछले दिनों में सर्वे टीम के साथ लगातार ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद रहकर कार्य कर रही है। अब यदि मां भी कोरोना पॉजिटिव मिलती है तो सैकड़ों लोगों की जांच की जाने वाली है। दिल्ली से लाने वाला गाड़ी चालक, निजी बैंक का कर्मचारी, प्रशासन ने युवक के साथ में पिता चालक को अलवर और एएनएम मां बहन को बहरोड में आइसोलेट किया है। वहीं पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान ने यह भी बताया कि युवक को जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। अभी तक जो है 128 मरीजों के सैंपल जा चुके हैं। 128 में से 99 की रिपोर्ट आ चुकी है और उनमें से एक रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। कहाँ का व्यक्ति है, किस तरह से? ये मिलकपुर बहरोड के पास मिलकपुर है, वहाँ का लड़का है। ये फिलीपींस से आया था 18 तारीख को और इसके साथ का जो लड़का था उसकी भी रिपोर्ट कल झुंझुनू में पॉजिटिव आई थी। ये टोटल तो अब जानकारी कल से लग रही है टीम वहाँ पर, तो इसमें CMHO साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे क्योंकि वो बहरोड उनका क्षेत्र पड़ता है। क्या नाम है? नाम नहीं बता पाएंगे, ज्यादा अच्छा है कि आप CMHO। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, आपसे जानना चाहूंगी, अलवर से बहरोड से ये मामला नया सामने आया है। कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति है उसकी मां भी एएनएम है और इस तरीके से सर्वे करके ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार दौरा किया। कब तक उनकी रिपोर्ट यहाँ पर आने वाली है और अगर खुदा ना खास्ता ये रिपोर्ट पॉजिटिव रही तो उसके साथ में किन किन लोगों की किस प्रकार से बड़े पैमाने पर यहाँ पर स्क्रीनिंग के अब आदेश प्रशासन के द्वारा जारी कर दिए गए हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा जयति कि जब तक अलवर अब तक सुरक्षित था लेकिन एक पॉजिटिव केस मिलने से बहरोड क्षेत्र में काफी सनसनी का माहौल फैल चुका है, क्योंकि जो संदिग्ध जो उनकी एएनएम महिला माँ है वो भी उसी परिवार में थी और हैरत की बात यह है कि बिना रिपोर्ट के या बिना आइसोलेशन किए वो सर्वे के कार्य में लग रही थी। उन्होंने कितने लोगों का सर्वे किया, किन किन घरों में गई और किस किस से मिली, इसको लेकर भी प्रशासन ने सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है और उनके बताए गए आधार पर सर्वे का कार्य शुरू हो चुका है। और जिस गाँव में मिलकपुर के ये रहने वाले हैं उनमें 1 किलोमीटर तक कर्फ्यू को लगा दिया गया है और प्रत्येक घर की जो जाँच है वो मेडिकल टीम की ओर से की जा रही है। जयति जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। चंद्रशेखर, आपको एक बार फिर से बता दें, प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। अलवर अभी तक इस चीज से अछूता रहा था लेकिन आज अलवर में भी बहरोड जो क्षेत्र है वहां से कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति सामने आया है। कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति है उसकी माँ भी एएनएम के पद पर कार्यरत है और बिना किसी सेफ्टी प्रिकॉशन के कई दिनों से यहाँ पर क्षेत्र में लगातार जो सर्वे किए जाते हैं उसमें अपना योगदान देती आ रही है। संदिग्ध यहाँ पर पाई गई है वो भी।